नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। इस समय हम खड़े हैं बनारस के लंका क्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने जब से नागरिकता संशोधन कानून को पास किया है संसद में, तब से कुछ विपक्षी पार्टियां और वामपंथी संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। यूपी में भी लखनऊ में पहले धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद कई अन्य क्षेत्रों में फैला 200 गाड़ियां लखनऊ में जलाई गई और यूपी में उनसे अच्छे से निपटा भी जा रहा। दंगाइयों से पुलिस ने अच्छे से पहले उनको लठ मारे, उसके बाद अब उनकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। अभी मुरादाबाद का एक मामला सुनने में आया है कि जो मुस्लिम समाज है उसने पैसे इकट्ठा करके 6 लाख रुपया पुलिस प्रशासन को दिए कि आप जो है नोटिस ना भेजिए, हम आपको दे दे रहे हैं। उसके बाद मेरठ में एक पुलिस का एसएसपी का सिटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं, जैसे कुछ लोग नारे लगा रहे थे उसमें कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन आजकल मीडिया में टीवी पे यह चल रहा है कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप क्या कहेंगे इसमें? सर, पहली बात मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे इंडिया और हिंदुस्तान में लोगों को समझना चाहिए कि ये चीज़ें किसके लिए है जी। अगर ये आपका NRC आया तो किस लिए आया है जी? CAA आया तो किस लिए आया है? इसलिए आया है क्योंकि आप रोहिया मुसलमान जितने हैं जी, जी, जी। जो बांग्लादेशी हैं वो आके हमारे देश में घुसपैठियों की तरह बैठ रहे हैं। अभी जितने दंगे फसाद हो रहे हैं वो पूरे के पूरे मुसलमान जो बाहर के हैं, बाहर के, बिकॉज इसलिए कि इंडियन मुसलमान जो हैं वो अपने देश के हित के लिए सोचते हैं, ना कि अदरवाइज किसके लिए। बट इस चीज को कोई इशू करता है, दिस इज दस मैटर। बट हमारी सरकार जो कर रही है वो बेस्ट है। आई होप कि आगे भी जो करेगी बहुत अच्छा करेगी। देन अभी जो ये दंगा फसाद हो रहा है इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है तो रोहिया मुसलमानों का है जी, जी। और ये देश निकाला होना चाहिए और ये इनका डिसीजन बहुत अच्छा है जी। और इसी तरीके से अभी हमारे जो भी देखिए नुकसान हुआ है, बहुत सारे सरकार का नुकसान हुआ है जी। तो इसलिए हम अभी भी भाइयों से आपके द्वारा अपील करना चाहेंगे कि ये चीज़ ना करें। नुकसान जैसे दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में भी जो बसें गाड़ियाँ जलाई गई हैं DTC की, आप लोग देखे होंगे, स्कूल के बच्चे बस में बैठे थे उसे पत्थर फेंके गए जी, बिल्कुल। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या कर रही है, जो दंगा करने में घायल हो गए, पुलिस ने जिनको मारा उनको 5 लाख रुपया दे रही है और नौकरी भी दे रही है सरकारी। सर ये देखिए, पहले तो हमारे देश में सबसे बड़ा बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है जी। अभी सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में विकास भी हो रहा है जी। बट अभी जो बेरोजगारी का मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है जी। इस पर हमारे सरकार को एक बार सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और देन केजरीवाल की सरकार में साहब ऐसा है कि देखिए जहाँ पे भी पंचायत होना उनके लिए मुश्किल है। दूसरी बात, केजरीवाल जी को अपने देश के हित की चीज़ों को नहीं समझते हैं और वो एक मान लीजिए विपक्षी दल में बैठे हुए हैं तो, बट हमारे देश के प्रति ऐसा उनको अपना विचारधारा विमर्श नहीं करना चाहिए। उसमें क्या है कि सरकार को सपोर्ट करना चाहिए कि सरकार गलत नहीं है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल के इस चीज़ को आगे ले जाए और देश के हित के लिए सोचे और देश के हित के लिए आगे बढ़ावा किया। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है NRC और कैब को लेकर वो एब्सोल्युटली सही डिसीजन है, क्योंकि सर देखिए कोई भी आप पाकिस्तान को ले लो सर, वहाँ पे इंडियन ज़्यादा नहीं है और जो है भी तो उनको मुसलमान बना दिया जा रहा है। आप अभी 2 से 3 दिन पहले का एक शोएब अख्तर का इंटरव्यू है, उसमें दानिश कनेरिया जो पाकिस्तान क्रिकेटर है उसके साथ लोग बैठते नहीं थे, खाते नहीं थे, उसके छुआछूत था क्योंकि वो एक हिंदू खिलाड़ी था, जबकि वो एक मतलब बड़ा सेलिब्रिटी था। उसके साथ ऐसा हुआ जो आम नागरिक वहाँ के होंगे के साथ सर क्या हो सकता है? बिल्कुल आप समझ सकते हो, जब वो इतना बड़ा पाक को रिप्रेजेंट करने वाला वो खिलाड़ी जब उसके साथ उसी के जो टीममेट्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं तो जो अदर जो वहाँ पे पर्सन होंगे जो इंडियंस होंगे उनके साथ वो लोग कैसा ट्रीट करते होंगे। तो सर बिल्कुल सही डिसीजन है NRC और कैब पे। और योगी जी जो यूपी में कर रहे हैं दंगाइयों से जिस तरह से निपट रहे हैं उसमें क्या कहेंगे? सर ये बताइए, आप अपने घर का कोई सामान नुकसान करोगे तो बाप तो थप्पड़ मारेगा ही जी, जी। तो बस वही है सर, वही योगी जी कर रहे हैं। आप कुछ भी सागर सरकारी संपत्ति को आप नुकसान कर रहे हो वो आप ही का है, अगर वो किसी और का नहीं है, वो आप ही का, आप ही के पैसे से वो लिया जाता है। आप उसको नुकसान करोगे तो आप भरपाई भी करो, क्या दिक्कत है? तो जो मतलब वामपंथी लोग कहते हैं या कई लोग कहते हैं कि JNU में या फिर वो जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है वहाँ भी पुलिस घुस के विद्यार्थियों को मार रही है, उसमें नहीं घुसना चाहिए था या मारना नहीं चाहिए? वो तो कह रहे हैं कि मारना नहीं चाहिए। सर कहाँ घुसी है पुलिस? नहीं देखिए, पुलिस को घुसना भी जायज है क्योंकि वहाँ पे आप पढ़ने गए हैं, न कि नेतागिरी करने गए और ना ही देश के राष्ट्रहित के बारे में आप गलत बोलेंगे जी, जी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो तो आप उसके बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो। लेकिन दूसरी बात, आपका जो ये भदगई करना, ये उत्खनन करना, आतंकवादियों की तरह ट्वीट करना, जिस लाइक कन्हैया कुमार इनकी स्टेटमेंट देख लीजिए, तो इसके मुद्दे पर जाने के लिए बहुत गलत है। आप अपने देश के बारे में सोचो, आप नौजवान हो, आगे फ्यूचर है, आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप इंडिया के फ्यूचर हो, तो उसके बारे में सोचो। और एक गलत है, और ये पुलिस वुलिस का अगर जो भी है तो कहीं ना कहीं उनका मुद्दा
कंट्रोल करने के लिए लॉ ऑर्डर लाने के लिए बेस्ट है। पुलिस यदि कंट्रोल नहीं करेगी तो हम ही लोग को समस्या, हम ही लोग के घर तोड़े जाएंगे। अभी अभी साहब एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें मेरठ में जी। उसमें क्या हुआ था कि एक पुलिस वाले को एक नॉर्मल आदमी उनको मार रहा है। हाँ, तो बताइए अगर प्रशासन अब टाइट नहीं होगी तो फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा? तो प्रशासन को टाइट होना बनता है क्योंकि कई जगह ऐसा हो गया कि जाने से डर लगने लगा है। क्योंकि हम लोग एक जगह बजरडीहा में जा रहे थे तो वहाँ मुस्लिम एरिया कोई जाने को तैयार नहीं था क्योंकि इस तरह का माहौल बन गया। तो यहाँ पे आप देख रहे थे जो बनारस के युवा है वो कह रहे हैं कि पुलिस जो कर रही है ठीक कर रही है, योगी सरकार ठीक कर रही है और सरकार भी जो है नागरिकता संशोधन कानून सही लाई है और इसमें कोई भी किसी को भी समस्या नहीं है। आप देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।